क्या आप भी हेयर फॉल, डेंड्रव फ्रीजी हेयर्स डैमेज हेयर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू एक मेरे पास यहाँ पे शैम्पू है और एक मेरे पास ऑयल है दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगी प्लास्टिक की बॉटल में और दोनों में 150 फिफ्टी प्रोडक्ट आपको मिलेगा प्राइस दोनों की सेम है इंग्रेडिएंट मैं इनके मेंशन कर दूंगी साथ अटैच कर दूंगी आप देख लीजिएगा इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी शैम्पू की शैम्पू की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं कंसिस्टेंसी शैम्पू की ना तो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी है इसकी और ना ही बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है एक मीडियम सी कंसिस्टेंसी है इसकी जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू वो शैम्पू जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं अभी हम बात कर लेते हैं ऑयल की तो ऑयल की, की कंसिस्टेंसी बड़ी ही मज़े की कंसिस्टेंसी है बाकी जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो थोड़े से ग्रीसी होते हैं और थोड़े से हैवी होते हैं ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है और बहुत ही तो लाइट वेट सा ये ऑयल है आप अपने बालों में यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कोई ऑयल बालों में अप्लाई किया है यूज़ आपने इसको इस तरह से करना है कि नहाने से दो घंटे पहले अपने बालों में अप्लाई करके इसको छोड़ देना है या फिर ओवर बालों में अप्लाई करके छोड़ दें उसके बाद आप रेगुलर जिस तरह से शैम्पू करते हैं बालों उसी तरह से शैम्पू कर लें हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर फॉल कंट्रोल किया इसने या नहीं तो हेयर फॉल जिस तरह से मेरा होता था ऐसा सच मेरा हेयर फॉल नहीं होता था मेरे कुछ दो चार बाल ही उतरते थे तो मेरे बाल इसको यूज़ करने के बाद भी उतरते थे उसी तरह से और स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल शुरू हुआ था लेकिन बाद में ठीक हो गया था उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्सचर की तो इसने बालों का टेक्स्चर बहुत इंप्रूव कर दिया मेरे बाल बहुत ही ठीक पहले से बहुत ठीक हो गए हैं इसके बाद बालों में बहुत अच्छी शाइन दे देता है बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई है मेरे बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो गया फ्रंट लाइन बहुत इंप्रूव हो गई है डैंड्रफ की बात की जाए तो इसने मेरा डैंड्रफ भी सेवेंटी परसेंट रिड्यूस किया है जो मेरे सर में इचिंग होती थी उसको भी काफ़ी कंट्रोल किया है इसने डैमेज की बात की जाए जो मेरे बाल डैमेज हो गए थे स्ट्रेटनिंग करने की वजह से या जो मेरे बालों में ड्राइनेस फ्रीजीनेस और स्प्लिटेंट्स आ चुके थे ये इसने उसको बहुत इंप्रूव किया है इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है जो मेरे बाल बहुत ड्राई और फ्रीजी हो गए थे ना इसने उसको बहुत कंट्रोल किया है हेयर फॉल को ये इतना कंट्रोल नहीं करता अगर आप हेयर फॉल के लिए परचेज करना चाह रहे हैं तो फिर इसको मत लें स्किप कर करते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है अगर आप इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल पे इन्वेस्ट करें बाकी ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं अगर आप दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो दोनों को कर लें अगर एक करना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल परचेज करें ये तो थी आज की वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज